हरियाणा में बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने के लिए तैयार है। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव को अपने साख का विषय बना लिया था। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव था जिसमें जनता ने एक बार फिर बीजेपी के कामों पर मुहर लगा दी है। हरियाणा में बीजेपी के जीत के कई हीरो हैं, लेकिन इस जीत के एक नायक यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी हैं, जिनके नाम की बात ज्यादा नहीं हो रही है। आधा दर्जन से भी ज्यादा रैली करने वाले योगी आदित्यनाथ की रैली हरियाणा चुनाव की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। बीजेपी हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही। एक ओर जहां राजनीति के जानकारों से लेकर आम लोग और मीडिया चैनल के एग्जिट पोल तक कांग्रेस को प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही थी, लेकिन जब वोट के काउंटिंग शुरू हुए तो सारे अनुमान और राजनीति के जानकारों के आंकड़े धरे के धरे रह गए। आज बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने हरियाणा में बीजेपी की जीत की नींव रखने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। सीएम योगी एक बार फिर से बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 5 क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया, जिसमें से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। इसी तरह उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार किया। राज्य की 14 विधानसभा सीटों पर वह चुनाव प्रचार करने गए, जिसमें से बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। अगर उनके चुनावी अभियान को देखें तो हरियाणा में 4 दिन और जम्मू कश्मीर में 2 दिन उन्होंने प्रचार किया है। योगी आदित्यनाथ ने 22 सितंबर को नरवाना, राई और असंध सीट पर चुनाव प्रचार किया। इन तीनों ही सीट पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। इसके बाद 28 सितंबर को मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद, रादौर, जगाधारी और अटेली सीट पर प्रचार किया। इन सभी सीटों पर बीजेपी को भी जीत मिली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 30 सितंबर को बवानी खेड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। इस सीट पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 3 अक्टूबर को उन्होंने सफीदों में जनसभा की और यहां बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। अब अगर जम्मू कश्मीर में उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर ध्यान दें तो बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है कि जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया वहां बीजेपी का दबदबा कायम रहा। सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर के रामगढ़, आरएस पूरा दक्षिण, रामगढ़ और कठुआ में सभाएं की थी। इन सभी सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जबरदस्त जीत हासिल की है। ऐसे में देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुए हैं। हरियाणा में भी उनका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला है। फिलहाल जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पैन इंडिया बढ़ रही है, उससे एक चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में होने वाले उपचुनाव में भी सीएम योगी का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलने वाला है। जिस प्रकार से योगी की लोकप्रियता इस वक्त पूरे देश में है, उससे इस बात से कहीं किसी को कोई आशंका नहीं है, न किसी को कोई संदेह है कि योगी पैन इंडिया प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता बीजेपी के। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।